नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज देखेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं, उसमें क्या क्या आते हैं। प्रोजेक्ट जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सब हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या है, क्या नया है, क्या देखने को मिलता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या क्या समझ में आएगा। चलो देखते हैं। शिव बावनी के रचनाकार कौन थे? वो थे भूषण। ओके, निम्न में से प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। ये जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है अधूरा रह गया था। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? वो है माली बोली, पूर्वी हिंदी की नहीं है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो है तुलसीदास। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन। अनिल पवन, अनिल हवा को कहते हैं, पवन हवा को कहते हैं। कठिन गद्य के प्रेत किसे कहा जाता है? किस कवि को के लिए कहा जाता है? वो है अज्ञेय। और एक है केशव को भी कहा जाता है। रूपी चांद पर राहू भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है, क्या था? श्री हरि द्विवेदी। उसके बाद कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली पूर्व हिंदी की है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? श्रृंगार। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कुरुक्षेत्र का क्या, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह है करुण क्षेत्र, सरण क्षेत्र। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी जाती है 10। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से? छायावाद से। छायावाद में आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है। भारत को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? शील दशा। उसके बाद है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी। और एक बार देख लीजिए, अमृता प्रीतम के बारे में देखेंगे जो लेखक ही है। जन्म 1931 पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान में पंजाब आता है। मृत्यु 2005 दिल्ली। प्रसिद्ध कवि थे, उपन्यासकार और निबंधकार थी जिन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा, मूलतः पंजाबी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवित्री माना जाता है। इनकी लोकप्रियता की लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी बराबर है। इन्होंने पंजाबी जगत में 6 दशकों तक राज किया, 60 साल तक। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी है, जिनमें से उनकी चर्चित है आत्मकथा रसीदी टिकट। उसके बाद है वे शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने अंतिम दिनों में अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था।
जीवन परिचय, अमृता प्रीतम 1919 में गुजरा वाला पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। बचपन लाहौर में बीता और शिक्षा भी वहीं हुई। इन्होंने पंजाबी लेखन से शुरुआत की और किशोरावस्था से ही कविता, कहानी और निबंध लिखना शुरू किया। अमृता प्रीतम जी 11 साल की थी तभी उनकी माताजी का निधन हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर आ गई। ये उन विरले साहित्यकारों में से है जिनका पहला संकलन 16 साल की आयु में प्रकाशित हुआ। फिर आया 1957 का विभाजन का दौर। इन्होंने विभाजन का दर्द सहा था और इसे बहुत करीबी से महसूस किया था। इनकी कई कहानियाँ में आप इस दर्द को स्वयं महसूस कर सकते हैं। विभाजन के समय इनका परिवार दिल्ली आ बसा था। अब उन्होंने पंजाब के साथ साथ हिंदी में भी लिखना शुरू किया। इनका विवाह 16 की उम्र में ही संपादक से हुआ। ये रिश्ता बचपन में ही माँ बाप ने तय कर दिया था। यह वैवाहिक जीवन 1960 में तलाक के साथ टूट गया। पहला क्वेश्चन है, शिरीष की याद आई नामक ललित निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्रा का है। शिरीष के फूल किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। याद रखिए, दोनों कंफ्यूज है। हत्यारे कहानी किन दो साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक से लिखी? अमरकांत और शैलेश मटियानी। चील कहानी किस कहानीकार की है? शैलेश मटियानी। कील, चील और कील कहानी किसकी है? महीप सिंह। ओके, आगे देखते हैं। भवंती नामक पुस्तक किसकी है? अज्ञा की। पश्यंती, भवंती या पश्यंती नामक रचना किसकी है? धर्मवीर भारती। कविप्रिया शीर्षक कहानी किसने लिखी? अज्ञे और शेखर जोशी। कविप्रिया शीर्षक काव्य रचना करने वाले भक्ति काल के श्रेष्ठ केशवदास। आगे है कामधेनु कहानी किसने लिखी? रमेश उपाध्याय। कामधेनु निबंध सिंह किसने लिखा? कुबेरनाथ राय। उसके बाद गोबर गणेश संहिता निबंध संग्रह लिखने वाले निबंधकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गोबर गणेश उपन्यास लिखने वाले उपन्यास किस आधुनिक साहित्यकार ने लिखा? रमेश चंद्र शाह। त्रिशंकु निबंध संग्रह किसका है? अज्ञ का। त्रिशंकु कहानी किसने लिखी? मनु भंडारी। उसके बाद त्रिशंकु नाटक किसने लिखा? ब्रजमोहन शाह। कितने इम्पोर्टेंट है देखिए, इसको देख के हमें पता चलता है कि मुक्ति कहानी लिखने वाले कहानीकार है अखिलेश और तद्भव। उसके बाद आते हैं मुक्ति उपन्यास लिखने वाले महेंद्रनाथ लेखक। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी है? रजनीगंधा। उसके बाद विवर्त कहानी संग्रह जगदीश गुप्त 1981। विवर्त उपन्यास किस महिला उपन्यासकार ने? शिवानी 1984। आदिकालीन साहित्य इसमें है सरापा दोहाकोश, शबरापा चर्यापा, शालीबद्ध सूरी, भरतेश्वर बावलियास, स्वयंभू पवमचर्य, हेमचंद्र शब्दानुशासन, मधुकर, जयमयंक, जसचंद्रिका, नरपतिनाल, बिसलदेव रासो, जगनी, परमाल रासो, चंद्रप्रदाय, प्रतिराज रासो, दलपति विजय, कुमार रासो। आगे हैं हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5 है। पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियाँ हैं? खड़ी बोली,
खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कनौजी। उसके बाद पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां, मारवाड़ी, भोजपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की कितने भागों में बांटी गई है, पश्चिम पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, उन्हीं को कहते हैं, पश्चिम को कुमाऊनी और मध्य को गढ़वाली। बिहार में हिंदी के कितने बोलियां हैं, बिहार में तीन हैं, मगही, भोजपुरी, मैथिली। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है, वो है शरफुद्दीन के जफरनामा में। हिंदी का वास्तविक आरंभ कहाँ से माना जाता है, 1000 ईस्वी से। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बहुत सारे लेखक भी हुए भोजपुरी के जो भोजपुरी में लिखे हैं। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, ब्रजभाषा। ताजुबे के स्थान में कौन सी हिंदी बोली जाती है, ब्रजभाषा। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है, फिजी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। अशोक के समय राजकाज की भाषा कौन सी थी, पाली। बौद्ध धर्म स्वीकार किया था इस वजह से। मोहम्मद घोरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा हिंदी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया, फारसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब फारसी भाषा राजभाषा बनाए रखा, कब तक फारसी को राजभाषा, 1833। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, गोपाल स्वामी अयंगार। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली, 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया, अनुच्छेद 343 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे। संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, 25। जनसंख्या की दृष्टि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है, 3रा स्थान है। चीनी, इंग्लिश और हिंदी। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि को। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। हिंदी का संबंध किससे है, सौशनी, अपभ्रंश से। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद सौशनी अपभ्रंश में किस भाषा का विकास हुआ है, राजस्थानी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, राजा मुंज को। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्राह्मी से। तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है, ब्रज। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, कोलकाता में। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है, भरत मित्र पत्र को। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल है,
कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? तो प्रेम सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश में से विकसित हुई है? तो सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? बनारस। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ। ब्रजभाषा। अहिरवाटी का संबंध किससे है? उत्तर राजस्थानी। भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राचड़ अपभ्रंश से। बिहारी बांग्ला उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी से। दलित आत्मकथाएं। मोहनदास नेमिष्ठिराय अपने पिंजरे 1995 दो भाग, ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन 1997 और 2013 दो भाग, कौशल्या वैसंत्री दोहरा अभिशाप 1999, माता बजर झोपड़ी से राजभवन 2002, सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत 2002, रमाशंकर आचार्य आर्य घुटन 2005, तुलसीराम मुर्धैया 2010 भाग एक, मणिकर्णिका 2013 भाग दो, डी आर जाटव मेरा सफर मेरा मंजिल 2000, धर्म मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, सुशीला टागोर शिकंजे का दर्द 2011। इनमें से झूठन बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देशभाषा काव्य में कितने पुस्तकों की संख्या बताई है? वो है 8। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंबी साहित्य है, माना है शुक्ल ने। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता है जॉर्ज ग्रीशन। पृथ्वीराज को कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया? 68। उपदेश रसायन रास के रचयिता है जिनदत्त सूरी। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? वीरगाथा काव्य। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक है राम कुमार वर्मा। इतिहास लेखन के सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? भ्रंग भ्रंगी। राठौड़ारी ख्यात के रचयिता दयाल दास। नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर कुछ भी लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफिर बहुत पंच अग्नि दया बहुत अष्ट चक्र व रस राहा ग्रंथ गोरखनाथ के है। कयमास वध किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो खंड है, रचना खंड है पृथ्वीराज रासो का। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। मनहो कला शशिभान कला 1600 बनी पंक्ति है चंद्रबरदाई की। राहुल वे संगा परक चंपू काव्य किसने रचा है? रोड़ा। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है शंभु को। स्वयंभू को अभिमान मेरु कहने का कहा करते थे पुष्यदंत।
आदि काल को संधि काल एवं चरण काल किसने कराया है? राम कुमार वर्मा ने। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला भाषा में प्रकाशित किया गया पंडित हरप्रसाद शास्त्री। किरान उस सादे के रचनाकार अमीर खुसरो। पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचे रचना है? विद्यापति। रिठे मणिचरिउ किसकी है? स्वयंभू। कीर्तिलता की भाषा है अवहट। भू परिक्रमा के रचयिता है विद्यापति। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता है मधुकर कवि। ईयाश्र काव्य की रचना की है हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिभूत गद्य पद्य में प्राकृत काव्य लिखे हैं सोम प्रभा सूरी। हिंदी साहित्य। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। इंदिरा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है बतलाई है जिसमें मात्र आदिकाल हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया था? ग्रंथों की रचयिता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। उसके बाद इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु ने। उसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेम लक्षण भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीर। हंस जाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? काशिम शाह। देखन जो पाओ तो पठाओ, जम लोक हाथ दूजे न लगाओ, वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित की गई है? नाभादास। भक्तिमाल भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देते हैं। इसके रचयिता है नाभादास। भक्तिमाल नाभादास। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? खड़ी बोली। त्रिपुरा की राजकीय भाषा बंगला। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। महत्वपूर्ण तथ्य। भक्ति काल के उदय के संबंध में मत ईसाइत की देन से जॉर्ज ग्रेशन कहा है। अरबों की देन से ताराचंद ने कहा है भक्ति काल का उदय। बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया आचार्य शुक्ल ने बाहरी आक्रमण को भक्ति काल का उदय बताया है। भारतीय परंपरा का स्वयं स्फूर्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया स्फूर्त विकास। छायावाद के संबंध में मत है। छायावाद कैसे उदय हुआ? छायावाद का उसमें रहस्यवाद मुकुटधर पांडे ने कहा है। अष्टछाप सुशील कुमार अस्पष्टता सुशील कुमार ने कहा है। अन्योक्ति पद्धति माहिर प्रसाद द्विवेदी। माधुर्य शैली वैचित्र आचार्य शुक्ला। आध्यात्म का छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र। अनेक प्रवृत्ति का पुंज डॉक्टर नामर सिंह। प्रसाद की कुछ कहानी संग्रह है। कुल 59 कहानी लिखी है प्रसाद जी ने, संकलित है 5 संग्रहों में। 59 कहानी 5 संग्रहों में प्रसाद जी की। छाया 2012 सॉरी 1912 दो छाया 1912
प्रतिध्वनि 1926, उसके पास आकाशदीप है 1900, आंधी है 1931, इंद्रजाल है 1936, प्रमुख कहानियाँ पुरस्कार देवरत, ममता, सालवंती, बेड़ी, गुंडा, अतिथि यात्रा, अपर कहानी, नीरा, मधुवा, गुंडा, छोटा जादूगर, उपन्यास, उपन्यास तीन है, एक में इरावती अपूर्ण है, जैसा मंगलसूत्र रामचंद्र शुक्ल का अपूर्ण था, इनका इरावती है। कंकाल 1929, तितली 1934 और इरावती 19 अपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इस चैनल से हिंदी पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।